हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPPET 2020 के, जो कि 8 नवंबर को आफ्टरनून पर हुआ था, दोपहर में हुआ था। हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दही जमाने की पारंपरिक विधि में दूध को उबाला जाता है और फिर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने दिया जाता है और फिर पुराना मिला दिया जाता है, तो क्या मिला दिया जाता है? तो ये देखना हमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दही, दही मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मूली की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। मूली की बीज दर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन अपने काले रंग के मांस के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कड़कनाथ। मायोग्लोबिन के कारण कड़कनाथ का मांस काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देश में कुल दूध उत्पादन में इसके योगदान के संबंध में भारत में प्राथमिक डेयरी पशु है, तो देश में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भैंस। देश में कुल दूध उत्पादन में इसके योगदान में, भैंस के योगदान के संबंध में भारत में प्राथमिक डेयरी पशु है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, भैंस, डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अति संकुलता और अंतर मिश्रण शाखाओं को हटाने की विशेष प्रूनिंग तकनीकों के रूप में जानी जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डी होर्निंग। अति संकुलता और अंतर मिश्रण शाखाओं को हटाने की विशेष प्रूनिंग तकनीक को डी होर्निंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ब्लैक क्वार्टर का पैथोग्नोमिक लक्षण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मांसपेशियों के प्रभावित हिस्से को दबाने पर रेंगने की आवाज़ आना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ब्लैक क्वार्टर में, तो मांसपेशियों के प्रभावित हिस्से को दबाने पर रेंगने की आवाज़ आती है, ब्लैक क्वार्टर को लंगड़ी रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित दूध उत्पाद में से किसमें अधिकतम वसा की मात्रा होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, घी। घी में लगभग 99.5% फैट होता है, वसा की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वह कौन सी सिंचाई प्रणाली जहां कम से कम पानी की हानि होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ड्रिप। ड्रिप में बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है, जिसे जिसमें कम से कम पानी की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मवेशियों की गिर नस्ल का वास स्थान या इलाका है? तो इसका, मवेशियों की गिर नस्ल में मतलब कि पशुओं की गिर नस्ल में गिर का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुजरात। उत्पत्ति स्थान गुजरात है। अब भारत में ऑपरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष में राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लिए शुरू किया गया था, तो वर्ष कौन से वर्ष में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1970। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। दूध देने की अवधि के दौरान गाय को दूध उत्पादन के अतिरिक्त चारे की आवश्यकता होती है, जिसे इस प्रकार जाना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लैक्टेशन राशन। लैक्टेशन राशन के रूप में जाना जाता है, यह दुग्ध सर्वन राशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिंह के छल्ले हॉर्न रिंग देखकर मवेशियों की उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। एक भारतीय गाय के मामले में यदि प्रत्येक सिंह पर 2 सिंह के छल्ले दिखाई देते हैं, तो उसकी अनुमानित आयु क्या होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4.5 साल। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ना भूलें। और यदि आपने 8 नवंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर नहीं दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में देखकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संबंधित व्यक्तियों के बीच संभोग जो संयुग्मजता होमोजाइगेटिक को बढ़ाता है, उसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाइन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निराई वीडिंग एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए,
सेकेंडरी टीलेज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस भोजन में फास्फोरस का प्रतिशत उच्चतम होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अस्थि भोजन या बोन मील। निम्नलिखित में से किस भोजन में फास्फोरस का प्रतिशत उच्चतम होता है? तो अस्थि भोजन या बोन मील का। क्वेश्चन नंबर 16। एक ही भूमि पर साल दर साल एक ही फसल को उगाना और फसल के रूप में जाना जाता है, तो मोनो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोनो फसल के, मोनोक्रॉपिंग भी कहते हैं जिसे। एक ही भूमि में साल दर साल एक ही फसल को उगाना, तो उसे मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1998 किसान KCC की शुरुआत की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऑफसेट रोड की सामान्य लंबाई होती है? ऑफसेट रोड की सामान्य लंबाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 3 मीटर। ऑफसेट रोड की सामान्य लंबाई होती है 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो टेकिंग लोन फॉर एनी काइंड्स ऑफ कल्टीवेशन, किसी भी प्रकार की खेती के लिए ऋण लेना, किसी भी प्रकार की खेती के लिए ऋण लेना किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गर्म क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड की लंबा आधार 1 तक होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम की ओर। गर्म क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड का लंबा आधार पश्चिम तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फाउल कोलेरा किसके कारण होता है? फाउल कोलेरा, तो पास्चुरेला मल्टोसीडा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पास्चुरेला मल्टोसीडा के कारण फाउल कोलेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मीठी मटर एक है, मीठी मटर क्या है? एक तो हम दाल या सजावटी पौधा या फलदार पौधा या सब्जी वाला पौधा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑर्नामेंटल प्लांट। मीठी मटर एक प्रकार का सजावटी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। गाय के दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, तो विशिष्ट गुरुत्व को हम आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं। तो गाय के दूध की बात की जा रही, तो गाय के दूध का विशिष्ट घनत्व, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1.028 से 1.030 होता है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सेज खरपतवार एक उदाहरण है, सेज खरपतवार किसका एक उदाहरण है? तो 24 साइप्रस आइडिया, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी साइप्रस आइडिया सेज खरपतवार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। डेयरी गायों को हाथ से दूध धोने की सर्वोत्तम विधि है, तो फुल हैंड मिल्किंग मेथड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फुल हैंड मिल्किंग मेथड ही सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आवास की एक सिर से सिर हेड टू हेड की प्रणाली में जानवरों को इस तरह से बांधा जाता है कि वे की ओर सम्मुख रहे, तो 26 इसका देखते हैं हम एक दूसरे से सम्मुख रहे। आवास की एक सिर से सिर हेड टू हेड की प्रणाली में जानवर को इस तरह से बांधा जाता है कि वह एक दूसरे के सम्मुख रहे, मतलब कि उनके मुंह एक दूसरे के सामने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जब दूध में वसा की मात्रा से कम होती है तो गर्भ परीक्षण सटीक परिणाम नहीं देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 3.2%। जब दूध में वसा की मात्रा 3.2% से कम होती है तो गर्भ परीक्षण सटीक परिणाम नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पशुओं को के प्रदर्शन में त्वरित सुधार के लिए प्रजनन तकनीक का विकल्प है, पशुओं के प्रदर्शन में त्वरित सुधार के लिए प्रजनन तकनीक का विकल्प है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रॉस ब्रीडिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण लेने के लिए अलावा किसान को अपना एक हिस्से का भी निवेश करना पड़ता है। किसान के इस हिस्से को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम पहले, एक बार और रीड करते क्वेश्चन। बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण लेने के अलावा किसान को अपना एक हिस्सा भी निवेश करना पड़ता है। किसान के इस हिस्से को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मार्जिन मनी। मार्जिन मनी कहता है। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। L49 इलाहाबादी सफ़ेदा हरीजा इज़ द वेराइटी ऑफ, तो L49 और इलाहाबादी सफ़ेदा और हरीजा किसकी किस्म है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमरूद की। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गुआवा या अमरूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मंथानी बटर चनर का उपयोग किया जाता है तो टू मेक बटर फ्रॉम क्रीम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मंथानी बटर चनर का उपयोग क्रीम से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पौधे की पुरानी पत्तियों के पीले पन के लक्षण किसकी कमी के कारण होते हैं? तो पौधे की पुरानी पत्तियों के पीले पन के लक्षण, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं पौधे की पुरानी पत्तियों के पीले पन के लक्षण किसकी कमी के कारण होते हैं? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मृदा सामग्री मोटे तौर पर ऊपरी परत में परसेंट खनिज होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 45% खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रॉड बेड और फरो विधि में निःशुल्क जल निकासी के लिए खाचे के लिए प्रदान की गई ढलान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 0.5% ढलान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक डेयरी फार्म में कार्यशील पूंजी निम्न की खरीदी हेतु आवश्यक पूंजी को संदर्भित करता है। एक डेयरी फार्म में कार्यशील पूंजी निम्न की खरीदी हेतु आवश्यक पूंजी को संदर्भित करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनपुट सच एस फिट्स एंड फूडर, खाद्य और चारा जैसे इनपुटों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुर्गी के अंडे के उचित हैचिंग के इंक्यूबेटर का इष्टतम तापक्रम होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 37.5 से 37.7 डिग्री सेल्सियस। बी, मुर्गी के अंडे के उचित हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर का इष्टतम तापमान 37.5 से 37.7 डिग्री सेल्सियस होता है, होना चाहिए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मुर्गी के अंडे की सेने की अवधि इंक्यूबेशन पीरियड दिन होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 21 दिन। मुर्गी के अंडे सेने की अवधि इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक हेक्टेयर एकड़ के बराबर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2.5 एकड़ के बराबर होता है। एक हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मवेशियों के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। मवेशियों के शरीर का सामान्य तापमान 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया में भैंसों की आबादी के संबंध में भारत का स्थान पर आता है। भारत किस स्थान पर आता है दुनिया में भैंसों की आबादी में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर आता है दुनिया में भैंसों की आबादी के संबंध में भारत पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एले फसल एक प्रकार की होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंटरक्रॉपिंग। गली एले फसल एक प्रकार की इंटरक्रॉपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्मी के मौसम के सजावटी पौधे का उदाहरण है, जो कि हम गर्मी के मौसम में यूज़ करते हैं सजावटी पौधे के रूप में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोचिया। एक बार क्वेश्चन रीड, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्मी के मौसम में सजावटी पौधे का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्पष्ट मक्खन के लिए भारतीय नाम है, द इंडियन नेम फॉर क्लेरिफाइड बटरफॉल इज,
तो स्पष्ट हो मक्खन के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए घी। घी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी चारा फसल को खरीफ चारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ज्वार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चीनी का उपयोग के संरक्षण के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जैम। चीनी का उपयोग हम जैम के संरक्षण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46। मवेशियों के पेट का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रूमेन। मवेशियों के पेट का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट रूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47। क्वेश्चन नंबर 47। दूध में वसा के इस रूप में मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पाइसन या इमल्सन। दूध में वसा इमल्सन के रूप में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक प्रमुख अम्ल है जो सब सेब में मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मेलिक एसिड। मेलिक एसिड इज ए मेजर एसिड विच इज प्रेजेंट इन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्नामेंटल पौधा प्रकृति में गैर वुडी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी होली हॉक्स। होली हॉक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज नॉन वुडी इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बोतल बंदी बॉटलिंग के दौरान एक हेड स्पेस होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर। बोतल बंदी के दौरान एक हेड स्पेस कितना होना चाहिए, 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAN के अनुसार भैंस के दूध का न्यूनतम दूध वसा प्रतिशत होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 से 6% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा सस्य आवर्तन या सस्य चक्र का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन ग्राम राइस और गार्डन पी। ग्रीन ग्राम राइस गार्डन पी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हरा चना चावल और गार्डन मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। पोटैटो इज द इंडिकेटर प्लांट ऑफ डेफिशिएंसी, आलू किसकी कमी का सूचक पौधा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पोटेशियम। आलू पोटेशियम की कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सांड के वीडियो को इकट्ठा करके पतले प्लास्टिक के स्ट्रो में भर दिया जाता और तरल नाइट्रोजन में जमा कर दिया जाता है, जो तक निम्नतम तापमान बनाए रखता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सांड के वीडियो को इकट्ठा करके पतले प्लास्टिक के स्ट्रो में भर दिया जाता है और तरल नाइट्रोजन में जमा कर दिया जाता है, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस तक निम्न तापमान पर बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। डिब्बा बंदी कैनिंग का मूल उद्देश्य होता है फॉर बेटर, देखते हैं इसका, फॉर बेटर प्रिजर्वेशंस एंड वैल्यू एडिशंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केनिंग। तो फॉर बेटर प्रिजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन, बेहतर संरक्षण और मूल्य संवर्धन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसे एक गाय का वास्तविक पेट कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एबोमेजम। एबोमेजम को गाय का एक वास्तविक पेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वह डेयरी उपकरण जो पूरे दूध से मलाई रहित दूध और क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है क्रीम सेपरेटर, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, तो उसे हम क्रीम सेपरेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। शुद्ध सरसों की फसल की बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस सब्जी की खेती गर्म मौसम में की जाती है, निम्नलिखित में से किस सब्जी की खेती गर्म मौसम में की जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ईग प्लांट या बैंगन।
निम्नलिखित में से बैंगन। बैंगन की सब्जी की खेती गर्म मौसम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रेड लेडी की इसकी एक किस्म है। रेड लेडी किसकी एक किस्म है? तो पपाया इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। रेड लेडी पपाया की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सब्जियों की डिब्बाबंदी कैनिंग के लिए नमकीन ब्राइन घोल की सांद्रता कितने परसेंट होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 2% सांद्रता होनी चाहिए नमकीन घोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। SSP में 3 पादप पोषक तत्व जिनके नाम है। SSP में 3 पादप पोषक तत्व जिनके नाम है, तो इसका कैल्शियम सल्फर एंड फास्फोरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम सल्फर एंड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। केले को व्यावसायिक रूप से इसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो केले को व्यावसायिक रूप से टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। मिट्टी का लाल रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो मिट्टी का लाल रंग इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, आयरन के कारण होता है, लोहा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 तो इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सचेंज हो चुके हैं, तो अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन 66 को पहले देख लेते हैं। प्राकृतिक मुख से रक्त रिसने के साथ साथ किसी जानवर की अचानक मृत्यु के लक्षण इस रोग के मृत्यु के लक्षण इस रोग के होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें ऑप्शन भी एक्सचेंज हो चुके हैं ऑप्शन, तो इसमें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शंस रॉन्ग है, ठीक है, ये सभी ऑप्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 66 का, एंथ्रेक्स। इसका ऑप्शन क्या आ रहा है? एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स इसका सही ऑप्शन है। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। प्राकृतिक मुख से रक्त रिसने के साथ साथ किसी जानवर की अचानक मृत्यु के लक्षण इस रोग के होते हैं, तो एंथ्रेक्स रोग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। जेली की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, पेक्टिन। जेली की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? तो पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। वाणिज्य ब्रायलर चिकन के पालन पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो वाणिज्य ब्रायलर चिकन के लिए पालन के लिए मुख्य उद्देश्य होता है तो मीट प्रोडक्शन से ओनली, मांस उत्पादन के लिए। ब्रायलर के लिए जब जब ब्रायलर आ जाए तो मतलब कि मांस उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। कई मिट्टी भूरे रंग की होती है क्योंकि उनमें बड़ी मात्रा में होता है। कई मिट्टी भूरे रंग की होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो कार्बन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, कार्बन। कई मिट्टी भूरे रंग की होती है क्योंकि उनमें बड़ी मात्रा में कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। डील विथ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। मुर्गी की एक नस्ल रोड आइलैंड रेड वर्ग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अमेरिकन। मुर्गी की एक नस्ल रोड आइलैंड रेड अमेरिकन वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से धान का वानस्पतिक नाम कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ओराइजा सटाइवा। निम्नलिखित में से धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। डेयरी पशु आहार का मुख्य नियम थंब रूल कुल शुष्क पदार्थ DM ड्राई मैटर की आवश्यकता को इस तरह से पूरा करना है कि वन देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हम कौन सा, 72। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 1/3 ऑफ द DM इज मेड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड इन द रिमेनिंग 2/3 फ्रॉम फूडर। DM का 1/3 हिस्सा सांद्र से मिलता हो और शेष 2/3 खाने वाला चारा हरा और सूखा से मिलता हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। डेयरी पशु आहार का मुख्य नियम कुल शुष्क पदार्थ की एक आवश्यकता को इससे पूरा
करना है कि एक डीएम का एक तिहाई हिस्सा सांद्र से मिलता हो और शेष दो तिहाई खाने वाले चारा हरा चारा और सूखे से मिलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, नंबर 73। दूध में अम्लता निर्धारित करने के लिए दूध संयंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण है। तो दूध में अम्लता निर्धारित करने वाला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एल्कोहल टेस्टा। एल्कोहल टेस्ट करते हैं। दूध में अम्लता निर्धारित करने के लिए दूध संयंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण एल्कोहल टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मक्खन कार्यकर्ता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो मक्खन कार्यकर्ताओं को यूजली अ हैंड ऑपरेटेड डेयरी इक्विपमेंट यूज फॉर सेपरेशंस ऑफ बटर मिल्क फ्रॉम बटर। आमतौर पर हाथ से संचालित डेयरी उपकरण जो मक्खन से छाछ को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देसी मवेशियों की उपस्थिति के कारण जाने जाते हैं। देसी मवेशियों की उपस्थिति के कारण जाने जाते हैं। तो किसकी उपस्थिति के कारण देसी मवेशी जानते हैं? हम्प, कुबड़। कुबड़ की उपस्थिति के कारण जाने जाते हैं देसी मवेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि आलू की खेती के लिए उपयुक्त है? तो इस फ्यूरो मेथड, फरो मेथड भी कहते हैं जिसे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि आलू की खेती के लिए उपयुक्त है? तो फरो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पपीते के रोपण के दौरान पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी का स्थान रखना चाहिए। तो 1.8 × 1.8 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। पपीते के रोपण के दौरान पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की स्थान 1.8 × 1.8 का रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। एक भयानक पोल्ट्री रोग कॉक्सिडियोसिस के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ के कारण होता है। एक भयानक पोल्ट्री रोग कॉक्सिडियोसिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। टॉर्टरिक अम्ल तैयारी के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर है। तो टॉर्टरिक अम्ल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आगा ऑप्शन डी, जेली। टॉर्टरिक अम्ल जेली तैयारी के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कुक्कुट पालन की कौन सी प्रणाली व्यावसायिक ब्रॉयलर पालन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डीप लीटर सिस्टम। घरे घरे कूड़े की व्यवस्था, घरे कूड़े की व्यवस्था, डीप लीटर सिस्टम्स। तो कुक्कुट पालन की कौन सी प्रणाली व्यावसायिक ब्रॉयलर पालन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो डीप लीटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। पिताया हाइलोसेरिया प्रजाति एक पौधा है। तो पिताया अंकस हाइलोसेरिया, तो इसका फ्रूट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, फ्रूट। पिताया हाइलोसेरिया प्रजाति फ्रूट प्रकार का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। DWRB 160 की एक किस्म है। DWRB तो किसकी एक किस्म है? तो बाल्ले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, बाल्ले की एक किस्म है। DWRB 160 की एक किस्म है बी, बाल्ले की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। चूने का उपयोग मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। तो चूने का कौन सी मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, एसिडिक अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है चूने का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। मवेशियों का निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फुट एंड माउथ डिसीज, पेड़ और मुंह की बीमारी, मतलब कि खुर पका और मुंह पका रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। शुष्क भूमि खेती में सामान्य वृद्धि का मौसम कितने दिनों में है? कितने दिनों का होता है, मतलब कि शुष्क भूमि खेती में सामान्य वृद्धि का मौसम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 200 से कम। शुष्क भूमि की खेती में सामान्य वृद्धि का मौसम 200 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। पशुओं या मवेशियों खिलाई जाने वाली एक दलहनी चारा फसल है। तो पशु और मवेशियों को खिलाई जाने वाली दलहनी चारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लूसन। तो पशुओं को या मवेशियों को खिलाई जाने वाली दलहनी चारा का एक फसल है, तो लूसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जमुनापुरी बकरी का गृह प्रति, मतलब कि जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मिट्टी की नमी के मापन के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेंसियोमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए,
टेंसियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एक परिसंपत्ति के अनुमानित मूल्य और स्वीकृत ऋण राशि के बीच के अंतर और एक डेयरी फार्म की स्थापना के लिए किसान द्वारा किए गए योगदान के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन मार्जिन मार्जिन मनी के, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मार्जिन मनी। एक परिसंपत्ति के अनुमानित मूल्य और स्वीकृत ऋण राशि के बीच के अंतर और एक डेयरी फार्म की स्थापना के लिए किसान द्वारा किए गए योगदान के रूप में जाना जाता है, तो मार्जिन मनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। पोल्ट्री की घरी कूड़ा प्रणाली से संबंधित है। डीप लिटर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री इज रिलेटेड टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाउसिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाउसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। वैकल्पिक बियरिंग में सबसे आम है, तो वैकल्पिक बियरिंग में सबसे आम मैंगो है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। फर्टिगेशन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो फर्टिगेशन शब्द से हम क्या समझते हैं, तो देखते हैं अभी, एप्लीकेशंस ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन वाटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आगा ऑप्शन सी, सिंचाई के पानी के माध्यम से उर्वरक का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। यदि किसी दूध के नमूने का लेक्टोमीटर पठन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 29 है, तो इसका विशिष्ट गुरुत्व होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आगा ऑप्शन डी, 1.029। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस घास का उपयोग लॉन तैयार करने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस घास का उपयोग लॉन तैयार करने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइनाडोन डिक्टाइलोन, दुब घास। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, साइनाडोन डिक्टाइलोन, जिस दुब घास का वैज्ञानिक नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। रोपण के बाद गुलदाउदी की पिंचिंग की जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 सप्ताह। रोपण के बाद गुलदाउदी की पिंचिंग 2 सप्ताह पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस सब्जी की फसल में कैरोटीन एसिड का प्रतिशत अधिक होता है? तो इसका देखते हैं, कैरोटीन एसिड का प्रतिशत अधिक होता है तो कैरोट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा। निम्नलिखित में से किस सब्जी की फसल में कैरोटीन एसिड का प्रतिशत अधिक होता है तो कैरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस चारे की फसल के राजा कहा जाता है, किसे चारों की फसल का राजा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बरसीम को फसल चारा, चारों की फसल का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। एक गर्भवती गाय के भ्रूण में के वृद्धि के लिए अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है, यदि वह कितने महीनों या अधिक समय से गर्भवती हो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5 मंथ या इससे अधिक समय से गर्भवती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। वह यह वांछनीय है कि एक अच्छी डेयरी गाय में होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या ऑप्शन? शांत विनम्र रूप और सौम्य स्वभाव, ये वांछनीय है कि एक अच्छी डेयरी गाय में शांत विनम्र रूप और सौम्य स्वभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, और यह लास्ट क्वेश्चन है 2020, 8 नवंबर की इवनिंग का शिफ्ट का 2020 के। तो इसका, कपास की पत्ती का लाल होना मिट्टी में किसकी कमी के कारण होता है? तो कपास की पत्ती का लाल होना तो मैग्नीशियम की कमी के कारण, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम की कमी के कारण कपास की पत्ती का लाल होना लाल होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।